हाय, मैं हूँ तुषाबा और आप देख रहे फंडू कंटेंट। वीकेंड के वार पर हर हफ्ते सलमान खान आते हैं और किसी न किसी की तो क्लास लेके जाते ही है, पर हमने एक बात जरूर नोटिस करी है कि हर हफ्ते सलमान खान किसी और की तो नहीं पर करणवीर बोहरा की जरूर क्लास ले जाते ही है और कोई ना कोई वजह से उनका मजाक उड़ा देते हैं। कभी उनके कपड़ों के बारे में या कभी उनके बालों के बारे में या कभी उनकी महानता दिखाने पर भी सलमान खान उनका मजाक उड़ा ही देते हैं। और अभी हमें ये पता चला है कि ये बात करणवीर बोहरा की पत्नी यानी कि टीजे को पसंद नहीं आई है और इसी वजह से टीजे ने बिग बॉस को एक लेटर लिख दिया और ये कहा कि मैं हर हफ्ते संडे का वीकेंड का वार देखती हूँ और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैंने या करणवीर ने कभी आपको किसी तरह से नाराज किया है, और अगर ऐसा हुआ है तो मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। करणवीर एक टीवी के जाने माने एक्टर है और उन्होंने अपना नाम अपनी मेहनत से खुद कमाया है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग करणवीर से नाराज है कोई बात से और मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो क्या बात है। हर वीकेंड के वार पर करणवीर बोहरा का मजाक उड़ाया जाता है और मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है उनको डीमोरलाइज्ड होते हुए देखकर। पहले तो मुझे लगा था वो एक सिर्फ मजाक कर रहे हैं, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात सिर्फ मजाक तक नहीं है और यहाँ तक कि करणवीर को ये तक कहा गया है कि उनके अंदर कोई फिज नहीं है, ना कभी थी और ना कभी रहेगी बिग बॉस के बाद भी। और इतना ही नहीं, मैंने बिग बॉस के अंदर दोगलापन भी देखा है। जब रोहित सुचंदी के कपड़ों के बारे में मजाक उड़ाया गया था तब उस मामले के ऊपर बराबरी से सवाल उठाया गया था, तो फिर क्यों करणवीर को हर वीकेंड के वार पर उनके कपड़े, उनके बालों और वो जैसे दिखते हैं उस पर मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ तक कि करणवीर को उनकी फेक महानता दिखाने का टैग भी दिया गया है, पर ऐसा तब नहीं किया गया जब रोमिल ने अपने वीडियो मैसेज का बलिदान दिया सोमी के लिए। भला तब क्यों उनकी प्रशंसा की गई और करणवीर की नहीं की जाती है। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि करणवीर की रिस्पेक्ट की जाए। तो ये था लेटर करणवीर बोहरा की पत्नी टीजे का जो उन्होंने बिग बॉस की टीम के लिए लिखा था। इनके ये लेटर से इतना तो समझ में आया है कि टीजे सलमान खान से बहुत ही ज्यादा नाराज है और घुमा फिरा के उन्होंने सलमान खान पर ही आरोप लगा दिया है। अब आप लोग हमें कमेंट्स के जरिए ये बताइए कि आप लोग किसके साइड है, सलमान खान के या करणवीर बोहरा के। इस मामले में कौन सही है और कौन गलत है। और बिग बॉस 12 की ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।